चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से. एक बहुत अच्छा इफेक्ट है. हो ये रहा था कि हमें एक रेजोनेंस जैसा इफेक्ट मिला, सिमिलर ठीक है ना. तो हमने उसको पहले तो नाम दिया शूडो रेजोनेंस टाइप इफेक्ट. शूडो का मतलब धोखा, लेकिन रेजोनेंस है. लेकिन बाद में हमने उसका नाम क्या रख दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन. ये इफेक्ट क्या था सुनिएगा. ये इफेक्ट था कि पहली बार हमारे को ऐसा लगा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में मूवमेंट कर सकते हैं. तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं रेजोनेंस में, तो हम उसे रेजोनेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेजोनेंस के लिए तो हमने क्या बोला है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट. तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, नाम हाइपर कॉन्जुगेशन. तो हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द लिखिए द इफेक्ट बाय विच इन विच द इफेक्ट इन विच सिग्मा इलेक्ट्रॉन moves and change their orbital. ब्रैकेट में लिख लो लाइक रेजोनेंस. And provide stability to electron deficient species. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन कौन सी होती है, कार्बोकेटायन, और कौन सा हो सकता है, फ्री रेडिकल, और कौन सा हो सकता है, पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है और रिच भी हो सकता है. एंड पाई बॉन्ड कॉल्ड मेजोमेरी इफेक्ट, सॉरी कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन. तो ये है हमारे लिए हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन. लेकिन होता कैसे है, हमारा अगला टारगेट ये होता है, इसकी मैकेनिज्म कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला वाला डेफिनेशन था. देखिए पहले हम बात कर रहे हैं कार्बो कैटायन के लिए, या किसी के भी लिए बात कर लेते हैं, इन तीनों में से फ्रेडिकल, कार्बोकेटायन या फिर पाई बॉन्ड, पक्का. तो किस तरह से दिखाई देने की वाली बात हो रही है, तो एक केस ले लेता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन. तो ये कार्बोकेटायन हो गया आपके पास CH3CH2+, कार्बोकेटायन है, यस और नो. तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कार्बोकेटायन है. ये इस कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर देखिए आप पहले, कि ये दिखेगा कैसे, CH CH CH2+, समझ में आ रही है बात. तो यहां पर इस कार्बोकेटायन के साथ ये चीज तो है कि ये
प्लस है, लेकिन ये हाइड्रोजन इसको कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था ये देखते हैं हम। तो हमने क्या किया, सी एच, यहां हमने हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो इस हाइड्रोजन को अलग करते सी एच एच और यहां पर ऑर्बिटल जनरेट हो गया। तो हाइड्रोजन अलग होगा तो किस फॉर्मेट में होगा, आप ही मेरे को बताएं। H प्लस, तो ये H प्लस अलग हो गया बिल्कुल, तो अलग होने को मैं माइनस बोल रहा हूं और अलग क्या हो रहा है H प्लस, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। तो यहां पर कार्बन के ऊपर क्या रह जाएगा, दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रह जाएंगे और अब वो कार्बन कार्बन माइनस बन जाएगा। या सुनो, जब भी कार्बन पे माइनस चार्ज हो तो उसके ऊपर पूरा एक पेयर होता है, वो नाइट्रोजन बन जाता है, हाँ या ना। और यहां पर क्या है, खाली ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब ये क्या बना हुआ है अभी, प्लस। अगले स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, पड़ोसी है एक दूसरे के, तो मदद करेगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल जाएंगे, तो ये पूरी पेयरिंग शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये पूरा का पूरा इस तरफ चल जा रहा है। तो किस तरह का बन जाएगा, आपके पास उल्टा हो जाएगा, जो भरा था वो तो खाली हो गया और जो खाली था वो क्या हो गया, भरा हो गया। यहां प्लस हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, माइनस, हाँ या ना। मूवमेंट हो सकता है ना आसपास में। अब वापिस जो गया था H प्लस वो आ गया आपके पास, उसने कह दिया मेरी से गलती हो गई, मैं वापिस आना चाहता हूं, ठीक है, तो वो वापिस आ गया। तो क्या हो जाएगा इससे, तो कहां अटैक करेगा वो H प्लस, बताओ, जहां उसे लोन पेयर दिखेगा यहां आएगा, और जब यहां आएगा तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक और H हो जाएगा, और क्योंकि इसका ऑर्बिटल अभी भी खाली है तो यहां पर प्लस ही चार्ज रहेगा। तो जो कार्बोकेटायन पहले इस वाले कार्बन पे था, अब वो किस पे आ गया, पास वाले पे। कोई दिक्कत समझने में, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं जो छुपे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आप बताते जाएं मेरे साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या होगा, अगर आप इसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहें तो क्या होगा, एक तरह से इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सिग्मा था, ये हाइड्रोजन क्या था, सिग्मा था, ये टूटा और ये किसमें कन्वर्ट हुआ, पाई में। सुनना, ये सिग्मा था, किसमें कन्वर्ट हुआ पहले, लोन पेयर में, और लोन पेयर किसमें चला गया, एटॉमिक ऑर्बिटल में। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब वही पाई इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल गया, फिर ये वापिस किसमें चेंज हुआ, यहां पर भी एटोमिक ऑर्बिटल आ गया, फिर ये जैसे ही एच आया फिर ये किसमें चेंज हो गया, हाइब्रिड में, सिग्मा में। तो एटोमिक तो हाइब्रिड में चेंज हो गया और हाइब्रिड एटॉमिक में चेंज हुआ है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो एक तरह से इससे पहले एटॉमिक एटॉमिक में जाता था मूवमेंट। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि क्या ऑर्बिटल चेंज हुआ है, हाँ, किसने चेंज किया है, हाइब्रिड में, यानी सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन मूवमेंट विद चेंज और चेंजिंग लिख सकते हो, विद चेंजिंग ऑर्बिटल। आप मानते हो इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्बिटल चेंज नहीं हो रहा था, यहां ऑर्बिटल चेंज हो रहा है। दूसरा पॉइंट, किसकी वजह से हुआ था, अल्फा हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या ये इफेक्ट होता, नहीं। एक तरह से यहां के अंदर क्या हुआ है, सिग्मा कन्वर्ट इन लोन पेयर, लोन पेयर कन्वर्ट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें कन्वर्ट हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल मूव्स करता है और मूविंग के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापिस सिग्मा बॉन्ड में।
लेकिन दूसरे एटम पर, सेकंड एटम, सेकंड नियरेस्ट एटम, तो यहां हमारे पास फर्स्ट एटम है, फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे एस पी डी एफ, ये एटॉमिक, तो एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद वो लोन पेयर मूव कर जाता है पास वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में जो खाली पड़ा हुआ हो, से ना मूव्स लिखा हुआ है, मूव्स क्लोजेस्ट नियरेस्ट एटम, लेकिन जब मूव करता है तो उसे क्या चाहिए, पास वाले के पास एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, अगर पास वाले के पास एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होगा तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा तो ये इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड, इसलिए पास वाला ही हाइड्रोजन आपके पास आ पाएगा, ओनली अल्फा हाइड्रोजन गिव्स दिस इफेक्ट, दिस इफेक्ट, यानी हम जो इफेक्ट फील कर सकते हैं वो सिर्फ यही कर पाएंगे अल्फा हाइड्रोजन वाले केस में। फोर्थ, अल्फा हाइड्रोजन जब भी ब्रेक होगा कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, क्या चार्ज आएगा, प्लस अल्फा, सबसे पहले हाइड, हाँ माइनस आएगा, सही कह रहे हो, बाय डिसोसिएशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कार्बन गेट नेगेटिव चार्ज, सो इट कैन मूव when nearest atom having empty orbital, empty atomic orbital, अगर पास वाले के पास empty orbital हुआ ही नहीं तो हमारी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। It means near atom is electron deficient. ये हमारे लिए फोर्थ पॉइंट हो गया। अब ये बताइए कि इसमें ऑर्बिटल चेंज हुआ है, हाँ, क्योंकि ऑर्बिटल चेंज हुआ है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा, ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। ड्यू टू चेंज ऑफ ऑर्बिटल इट इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव, बट क्यों लगाया मैंने, मैंने इसलिए लगाया बट इस जगह, ठीक है, लेकिन अगर आप यहां देखते हैं तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, तोड़ना तो पड़ेगा, तो एक तरह से शुरुआत में एनर्जी ज्यादा चाहिए, यही चीज इसको कमजोर बना देती है रेजोनेंस से, बट फॉर हाई एनर्जी required for sigma bond dissociations, so it is less effective than resonance. तो बहुत ज्यादा वैसे नहीं होता जैसे हम रेजोनेंस को देखते हैं, आ रही है बात समझ में। तो इससे एक और हमारे पास आ जाता है कि ध्यान से सुनना, ये पॉइंट और बन जाता है 5-6 कि आज हमारे पास यहां पर है प्लस, समझिएगा बात को,
ये अल्फा हाइड्रोजन है तीन, ये इफेक्ट इन दोनों के बीच में दिखाई देगा, किन दोनों के बीच में दिखाई देगा, इन दोनों के बीच में दिखाई देगा, लेकिन ये नहीं कि यहां से यहां गया फिर यहां से यहां जा रहा है, नहीं, ये इन दोनों के बीच में नहीं दिखाई देगा। कॉन्जुगेशन में ये है, यहां पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं कि यहां कॉन्जुगेशन है पहले यहां चल जाए फिर यहां चल जाए, नहीं, ये बहुत कम इफेक्टिवली यहां जा रहा है, पूरी तरह से नहीं जा रहा है। तो जब पूरी तरह से नहीं जा रहा है, जितना रेजोनेंस में जाता है, तो रेजोनेंस एक तरह से क्या हो जाता है, सिक्वेंस बहुत आसानी से दे देता है, तो इट इज नॉट सो कैपेबल एज रेजोनेंस फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो एक तरह से ये बोला जाए कि इतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं जा रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं जाएगा वहां तक, लेकिन उतना नहीं जा सकता कि जैसे 100% वहां तक पहुंचा दिया आपने, नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं इन हाइपर कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज मूव्स ओनली ऑन अल्फा पोजिशंस, अल्फा पोजिशन जा सकता है, नॉट इफेक्टिवली मूव्स एट बीटा पोजिशंस, बीटा पोजिशन पे नहीं जा रहा। सो मोर अल्फा हाइड्रोजन, हमें बीटा से कोई मतलब ही नहीं है, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सही है, हम ये समझ सकते हैं कि अल्फा पोजीशन पे तो जा सकता है, बीटा पोजीशन पे नहीं जा सकता। ये इसका कौन सा कार्बन कहलाएगा, अल्फा, पास वाला कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और दूर वाले को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो ये पॉसिबल नहीं है, आ रही है बात समझ में। तो ये सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन से निकल के आए, आपने मैकेनिज्म समझी किस तरह से मूवमेंट हुआ। एक और चीज है कि हाइड्रोजन को निकालना है, H प्लस को निकालना है, तो बेस इसमें इंपॉर्टेंट काम करता है, खुद से भी निकाल सकता है, लेकिन OH माइनस उसे निकालने में क्या हो जाएगा, फास्ट काम करेगा। तो OH मीडियम यानी OH माइनस किसकी तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह। तो लिख लीजिए बेसिक मीडियम कैटलाइज हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट पॉइंट सेवन, बेसिक मीडियम कैटलाइज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फाइनल रिजल्ट्स एक और भी है कि स्टेबिलिटी अगर हमें देखना है ऑफ कार्बोकेटायन, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस से आंसर देंगे, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशंस, हाइपर कॉन्जुगेशंस, और फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। लिखे इसको, तो आगे लेते हैं हम, एक सेकंड के लिए सोचिए, ये कार्बोकेटायन है, इसमें रेजोनेंस है, हां, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर दूसरा कार्बोकेटायन लो, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन, तो ये इसके बाद होगा,
फिर देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो. तो एक बच्चा गलत कहां करेगा, बच्चा गलत करेगा यहां पर लास्ट वाले में, अगर उसने आंसर इंडक्टिव से देने की कोशिश की तो, क्योंकि उसके दिमाग में यही आएगा कि साहब यहां पर C2H5 है और C2H5 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है. मैं मानता हूं ज्यादा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा है, इसमें. तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा, होगा ना. तो इंडक्टिव से कौन बड़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन से कौन बड़ा है, रेजोनेंस. तो इस तरह से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं. हम और एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन पहले हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में पढ़ने के बाद. तो हेडिंग क्या डालेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन. तो हेडिंग क्या रहेगा आपका, नया हेडिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन. क्या एल्कीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकती है, हाँ भाई हाँ, एल्कीन तो दोनों है, सही है. तो कैसे वर्क करेगी, सबसे पहले तो आप समझिए इसकी मैकेनिज्म, यहां मैकेनिज्म क्या होगी. ये आपके पास एल्कीन है, नॉर्मल एल्कीन है, और ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, पक्का. ये अल्फा हाइड्रोजन अलग हो गया, तो क्या बन जाएगा इसके ऊपर, प्लस चार्ज. आप अच्छे से जानते कि हाइड्रोजन अलग हुआ है, माइनस एच प्लस. तो यहां पर H प्लस, यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनने के साथ ही बन ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं. आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसके पास क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा, पक्का. लेकिन आपको ये यहां नहीं दिखा के यहां दिखाते तो अच्छा लगता, कैसे, ये कार्बोकेटाइन एम्प्टी ऑर्बिटल श्योर, और यहां पर क्या दिखाई देगा आपको, पाई बॉन्ड. बोलो यस और नो, ये पाई बॉन्ड आपका मूव कर जाएगा इस जगह, क्योंकि उसे यहां पर भी वैसे ही ऑर्बिटल दिख रहा है, खाली ऑर्बिटल, वही पी टू पी ऑर्बिटल, ये भी टू पी था, सेम सेम. तो मूव करने के साथ ही ये क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, जो बॉन्ड पहले यहां हुआ करता था वो यहां हो गया, और ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया आपके लिए, खाली. तो ये ऑर्बिटल पे अब प्लस चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आ रहा है ना बात. तो ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा, और अब जो H प्लस गया था, भूला भटका, वापस आ गया, और हमारा फाइनल कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये, यानी ये एल्कीन वापस एल्कीन में चेंज हो गई, लेकिन पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है. अच्छे समझ में आया, तो क्या ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इससे, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा, जैसे रेजोनेंस में मूव करता है वैसे सीक्वेंस मूवमेंट नहीं है, समझ में आ रहा है. तो यहां लिख सकते हैं रिजल्ट्स, पहला जो मेरे सामने आ रहा है, इफेक्ट किसकी वजह से हुआ और किसमें हुआ और मैकेनिज्म क्या रही. तो रिजल्ट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के रूप में लिखने पड़ेंगे हमें, की पॉइंट फर्स्ट. हुआ क्या इसमें, सबसे पहले देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड किसमें चेंज हुआ, एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल ही बोल देता हूं, पी तो अपने आप में दिख ही रहा है, पी लिख रहा हूं तो एटॉमिक ही होगा. sp, sp2, sp3 ये कौन से ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड. p लिखा है तो p ऑर्बिटल. अब ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल बना है बहुत अच्छा लग रहा है. इसके बाद क्या होगा, अगला पॉइंट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड. तो जो पाई बॉन्ड है वो मूव कर गया,
ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट पॉइंट में, यानी यहां पर एक और चीज लिखनी पड़ेगी, कार्बोकेटायन जनरेट, इस पाई बॉन्ड के मूवमेंट से क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज मूव्स नियरेस्ट एटम, नियरेस्ट एटम पे मूव हुआ है, और बाद में क्या होगा अगेन जो आपका एच किया है यानी माइनस एच प्लस है वो क्या हो गया प्लस एच प्लस, तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया एम्प्टी पी ऑर्बिटल जो बना था कन्वर्ट इन सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में कन्वर्ट हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल मूव करा, फिर फाइनली सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो एक सिग्मा बॉन्ड दूसरे सिग्मा बॉन्ड में चेंज हुआ लेकिन बहुत बड़े प्रोसेस के थ्रू, और इससे क्या फायदा हुआ चार्ज डिलोकलाइज हुआ, स्टेबिलिटी क्या हो गई चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये स्टेबिलिटी हमारी बढ़ चुकी है, चलिए ठीक है स्टेबिलिटी बढ़ने दो, अच्छा लगा। दूसरा रिजल्ट क्या आया आपके पास, ये तो फर्स्ट रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट आपके पास क्या आया सेकंड रिजल्ट बहुत इजी है, कोई ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है, फर्स्ट रिजल्ट से रिलेटेड ही है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप बोल सकते हैं मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर पाई बॉन्ड मूमेंट मोर स्टेबल एल्कीन, ये हमारा सेकेंड इसमें बेनिफिट देखने को मिला है मुझे। थर्ड जो आपको यहां पर समझना है, कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो ओवरऑल चार्ज क्या रहता है कंजर्व रहता है, इन हाइपर कॉन्जुगेशन चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व्ड यानी चार्ज कंजर्व रहेगा, बट रिमेंबर दैट कि न्यूक्लियस की पोजीशन, न्यूक्लियाई कोई भी एटम भी चेंज हो सकता है, एटम की पोजीशन चेंज होगी तो आपको ऐसा फील आएगा कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं मूवमेंट बहुत कम होता है, आप पूरी तरह से कन्वर्जन नहीं करेंगे, बस ये माने कि ये मूवमेंट होता है लेकिन उसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर देंगे कि ये इस वाली एल्किन से इस वाली एल्किन में चेंज हो गया। तो आपको ये लिखना है कंजर्व फोर पॉइंट कंजर्व एटम मूवमेंट इज पॉसिबल बट बाय दिस इफेक्ट we cannot a alkene convert in
another alkene completely. Completely हम दूसरे में नहीं कर देंगे, समझ में आ गई बात? कि एक alkene बनाया, हम उसको दूसरी alkene में convert कर देंगे, hyperconjugation नहीं, वो movement होता है, लेकिन उससे compound convert change नहीं हो रहा कि एक alkene दूसरे में change हो जाएगी, उसको बस feel किया जा सकता है, it feel only in reaction mechanism वाले part में हमारे को मिलता है ऐसा, it will feel only in reaction mechanism part, reaction mechanism कि ऐसा इसकी वजह से हुआ है, बाकी ऐसा practically आप direct एक alkene को दूसरी alkene में नहीं convert कर दोगे, मतलब ये effect हो भी रहा है और आप दूसरी alkene में convert करके लिख नहीं सकते कि आप को एक एल्कीन दी और ये एल्कीन थी, आपने कह दिया ये एल्कीन यहाँ मूवमेंट हुई और ये इसमें कन्वर्ट हो गई, बहुत कम देखने को मिलता है, इसका क्वांटिटी बहुत कम होती है, परसेंटेज बहुत कम होता है, रेशियो कन्वर्जन बहुत कम होता है, तो आप पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉट फुली कन्वर्ट इन दिस, समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल वैसे है कि यार तुम्हें 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने सांत्वना दे दी, मेरे से ले लेना, तुम खुश हो गए, तुम क्या हो गए, खुश हो गए यार कि जब भी जरूरत पड़ेगी सर से ले लेंगे, लेकिन मैंने दिए क्या, नहीं दिए, तो बस एक खुशी वाली फील दे रहा है, ये कन्वर्जन पूरी तरह से नहीं है, बहुत कम उस चीज को हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो खुशी तो हो रही है उसका कुछ तो इफेक्ट हो रहा है, उस इफेक्ट को ही हम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहे हैं, आ रही है बात समझ में कि हाँ मेरे को जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, लेकिन लिए क्या तुमने, नहीं लिए, बस वो वाली चीज है, तो पूरी तरह से क्योंकि सिग्मा बॉन्ड टूट के इस तरह से जाना थ्योरिटिकली समझाना बहुत मुश्किल था, प्रैक्टिकली हमने बस सिर्फ इस तरह से देखा कि हमें फिर कैसे पता चला ये इफेक्ट होता है, भाई ये इफेक्ट होता है इसका पता कैसे चला, जब डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट हो रहा तो हमें पता कैसे चलेगा, वैल्यूज पे, इट इज प्रेजेंट, ये होता है, इस बात का पता चला बाय ओनली ऑन बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल डाटा, बाय ओनली ऑन बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल data of stability, यानी हमें वो alkene ज़्यादा stable दिखी जिसमें ज़्यादा alpha hydrogen है, तो हम कैसे समझाते हैं, बस ऐसे ही समझाते हैं, convert नहीं करते हम एक alkene को दूसरे alkene, लेकिन हाँ पीछे theory चाहिए, stability, practical data stability of carbocation, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन, बस ये हमारे लिए प्रैक्टिकल डाटा हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं जो ये बताते हैं इफेक्ट होता है, लेकिन इसकी वजह से एक एल्कीन को दूसरी एल्कीन में कन्वर्ट नहीं करते कि अल्फा हाइड्रोजन से मूव करा के हम वहां ले जाएंगे, समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट मोर अल्फा हाइड्रोजन, हमने लिखा भी है यहाँ पर मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर पाई बॉन्ड मूवमेंट मोर स्टेबल एल्कीन, तो हम कैसे देखते हैं कि कौन सी अल्फा, आप ये बताइए इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा, इसके पास कितने अल्फा हैं, 6 अल्फा, 3 अल्फा इस तरफ 3 अल्फा, तो आप में से बहुत सारों को तो अल्फा काउंट करना ही नहीं आ रहा, ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, CH3, तो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, बोलो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, यहां पर कितने CH3 CH3, तो कितने हो गए टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन,
समझ में आ रहा है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा होगा? ए और बी में. बी इज मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल एल्कीन एज ए. बी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी ए से. अच्छा अब ये बताइए कि ज्यादा स्टेबल क्यों होगी? क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस तरफ भी मूव कर सकता है, इस तरफ भी कर सकता है. हम करेंगे नहीं, लेकिन बहुत पार्शियली हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ही कम हो रहा है. तो मूवमेंट तो हो रहा है, तो बताइए यहां पर ज्यादा मूवमेंट होगा या यहां पर? बी में. बी में ज्यादा मूवमेंट होगा, तो यहां पर इस जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. और डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहे हैं. और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? यहां पर बढ़ जाएगी. तो वो डाटा ये प्रूव कर रहे थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा इफेक्ट होता है. तो यहां दो तरह के साइंटिस्ट थे जो कहते हैं एक नहीं होता और एक कहते हैं होता है. तो हम मानते हैं फाइनली ये होता है क्योंकि डाटा ऐसे आ रहे हैं. समझ में आ गई बात? तो इससे क्या होगा, सेवन नंबर का पॉइंट क्या बनेगा आपके पास? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड मूव्स एंड डीबीसी का मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. आप पूरी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ इनक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. समझ में आ रहा है? तो हमारे पास ये भी पूछा जा सकता है कि अगर यहां पर बॉन्ड लेंथ L1 है, यहां L2 है, तो L1 L2 में कौन ज्यादा होगा? L2. तो यहां L1 L2 लिख के L1 और L2 में L2 ज्यादा है. समझ में आ गई बात? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने. अब आपके दिमाग में एक और आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल. तो हेडिंग डलेगी हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, उतार लीजिए ये सब. हेडिंग क्या डलेगा हमारा? हाइपर कॉन्जुगेशंस इन फ्री रेडिकल. बिल्कुल वैसे ही देखना है, आप बहुत आराम से देख सकते हैं मैकेनिज्म क्या होगी. ये देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए सी एच थ्री सी एच टू डॉट. ये डॉट को कैसे लिखते हो आप? एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, उसमें क्या बना दिया? इलेक्ट्रॉन बनाया या नहीं बनाया? बताओ इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 sp3, सारे बॉन्ड सिग्मा है. तो सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहले काम क्या हुआ इसके अंदर? ये जो कार्बन है, यहां हाइड्रोजन निकल गया पूरा, तो एक तरह से दो ही हाइड्रोजन रह जाएंगे, तीन थे दो रह गए. तो अब क्या बन गया? एक.
पक्का? क्या ये इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है? कि यहां से दो में से एक इस तरफ चला जाए, दोनों यहां आ गए, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव किया है, सेम एनर्जी लेवल में हो सकता है। फिर क्या हो गया, वो जो गया था वो वापस आ गया, कहां आएगा वो? अब इस तरफ, जहां उसे लोन पेयर मिलेगा। तो फाइनली क्या चेंज हो गया आपके पास? ये हमारे पास आ चुका है, और ये अब हमारे पास एक फ्री रेडिकल, यानी ये फ्री रेडिकल जो पहले इस कार्बन पे था अब पास वाले पे है पार्शियली। तो हमारे लिए यहां पर मूवमेंट हुआ है, और यहां पर भी की पॉइंट हमारे पास है, तो वही पॉइंट बनेंगे। तो बार बार की पॉइंट हमारे लिए रहेगा, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अल्फा हाइड्रोजन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब मूवमेंट, फैलना, बिखरना। डीलोकलाइज्ड का मतलब बिखरना, डीलोकलाइज्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इन केसेस। मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। तो बहुत इजीली आपने कहा है, देखा है, अच्छे समझ भी लिया है। एक और चीज यहां पर रह गई, वो आपको ध्यान नहीं है, लेकिन यहां पर जब हाइड्रोजन निकला था, इलेक्ट्रॉन यही छोड़ के गया था, तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? माइनस। कार्बन पे जब भी लोन पेयर हो उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो यहां माइनस लगाना आपके लिए जरूरी है। फिर ये यहां पर आ गया माइनस, और ये वापस एच प्लस आके ये न्यूट्रल हो गया। बोलो सही है ना? चलिए कुछ और प्रैक्टिस की हम बात कर रहे थे कि अल्फा हाइड्रोजन की प्रैक्टिस करनी हमारे लिए जरूरी है। यहां पर फाइंड अल्फा हाइड्रोजन, ए इन कार्बो केटायन, कार्बो केटायन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन निकालते जाओ जल्दी जल्दी। अल्फा हाइड्रोजन बताओ आप मेरे को कितने होंगे? सही है, जिस तरफ रेजोनेंस होता है उस तरफ फिर मैं अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखता, क्यों? क्योंकि उधर का मूवमेंट भी नहीं होता। तो ये पॉइंट लिखेंगे आप, यहां का अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो ये हमारे पास हो गया फोर्थ। तो अभी तो बहुत सारे एग्जांपल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, बताइए इन सब में अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन, और रेजोनेंस है तो वो रेजोनेंस आर के फॉर्म में लिख लो। तो बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? द
देखिए ये वाला कार्बन है तो एक अल्फा है, वन अल्फा कॉन्जुगेट यही है डायरेक्ट अटैच्ड, यहां पर डायरेक्ट अटैच तीन है, एक दो तीन, तो यहां पर कितने होंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, कन्फर्म कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो दो दो चार और चार तीन, यहां कितने होते हैं दो और एक तीन, यहां पर कितने होंगे दो और दो, ज्यादा टफ तो नहीं है ना, यहां पर बस उस तरफ नहीं काउंट करेंगे, जिस तरफ रेजोनेंस होता है उस तरफ नहीं लिखेंगे, ये आप लिखोगे यहां पर, तो तीन और दो पांच अल्फा प्लस रेजोनेंस, सही है, दो और तीन पांच, उस तरफ मूवमेंट नहीं होगा, जिस तरफ रेजोनेंस है उस तरफ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इस तरफ सिक्स अल्फा, इस तरफ तीन तीन छः सात आठ एट अल्फा, आप समझ रहे हैं ना, तीन तीन छः और एक सात, कैसे पता चला यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है चार, एक दो एक बच रही है तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो तीन तीन छः और एक सात सेवन अल्फा, तीन और दो पाँच, अब बताइए किसको अभी भी नहीं समझ में आया, किसको अभी भी नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया अल्फा निकालना, क्या आप ये बता सकते हो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, हाँ तो ये स्टेबिलिटी पे हम बात में करेंगे, अभी तो आप सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पे बात करो, आ गया समझ में, हटा दूं मैं जल्दी लिखो, तो ये तो कार्बो केटायन में, अब एल्कीन की बात करते हैं अपन, तो हम बात कर रहे हैं इन एल्कीन, तो चलिए कुछ एग्जांपल आप ही बताइए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो बताइए अल्फा हाइड्रोजन किसमें कितने हैं, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है, बस शर्त ये है कि रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, अगर रेजोनेंस है तो फिर रेजोनेंस से आंसर देंगे हम, तो बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है थ्री श्योर, यहाँ पर कितने हैं सिक्स अल्फा, आपको जहाँ दिक्कत है आप मेरे से डिस्कस करेंगे कि ये आंसर नहीं समझ में आया, तीन और तीन छः सिक्स अल्फा, तीन तीन छः तीन नौ, यहां कितने तीन छ नौ दस बारह बारह अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं चार, एक दो तीन चार, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी पे अभी हाइड्रोजन है तो फोर अल्फा हाइड्रोजन, आप बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, जल्दी बोलो, हाँ जोर से बोलो, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां चार, आप बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर तीन, बिल्कुल सही है, कैसे एक यहां पर और दो यहां पर, ये सही सोचा है, तुम बताओ यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा तीन, देखो ये तो खैर है सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, कितने दिख रहे हैं पांच सात, गलत आंसर दिया, ऐसे नहीं, तुम बताओ यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास,
तीन तीन छः सात आठ नौ दस, टेन अल्फा हाइड्रोजन, सही है। तो ऐसे आपको फटाफट आंसर देना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। आ रहा ही बात समझ में? किसी को कुछ पूछना है? एप्लीकेशन ही यही है, स्टेबिलिटी। तो इस पे एग्जाम्पल क्या बनेंगे? कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। शुरू करें, सही है। इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सिक्स अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं? सिक्स। मान लीजिए ये ए बी सी डी स्ट्रक्चर है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? सी। फिर कौन होगा? लिखते जाएं आप मेरे साथ, सी। फिर कौन होगा? बी। अब लड़ाइए ए और डी में, कौन ज्यादा होगा? सोच के बोलो, कौन ज्यादा होगा? जोर से, आवाज नहीं सुनाई तेरी। डी, बिल्कुल सही। और फिर ए, अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि डी के अंदर जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, आप सोचिए, और रीजन हमारे पास आंसर तो यही है, डी के अंदर कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? डी और ए दोनों ही हमारे पास सिक्स अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जब ये मूवमेंट होगा, आप देखिएगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की जगह की वजह से जब मूवमेंट होगा तो ये एल्कीन बनेगी, जबकि इसके अंदर जब मूवमेंट होगा तो एल्कीन कैसी बनेगी? तो इसमें बनने वाली एल्कीन के अंदर भी आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सिक्स। और इस तरह की एल्कीन वैसी ही बन रही है जैसी पहले थी, तो इस तरह की एल्कीन को बोलते हैं इक्विवेलेंट एल्कीन या इक्विवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, और हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं इक्विवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन। मोर स्टेबल एज नॉर्मल तो ये रीजन हो गया हमारे पास यहां। तो एक और आपसे मैं पूछ रहा हूं, बहुत इजी है एग्जांपल। ए बी सी और डी, अब बताइए इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सब में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? काउंट करो, ए में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सिक्स अल्फा, सिक्स अल्फा, टू अल्फा, सिक्स अल्फा, तो सबसे ज्यादा तो होगा बी, क्योंकि फिर ए, ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस, फिर उसके बाद होगा डी और फिर होगा सी। तो सबसे एक और पॉइंट हो गया, ट्रांस एल्कीन मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन। तो दोनों ही बहुत अच्छे एग्जांपल हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के।
एक दो एग्जांपल और लेते हैं. ए बी सी एंड डी. करें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दो इधर चार अल्फा, तीन चार पांच छः सात, तीन चार पांच छः सात सेवन अल्फा, तीन तीन छः सात आठ नौ दस, दस अल्फा, एक और एक दो अल्फा. तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो होगा सी, फिर बी, फिर ए और फिर डी. क्या आपको समझ में आ गया ये? अगर ये एल्कीन की जगह मैं कार्बोकैटायन ले लेता हूं तब भी आपको आंसर ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही आंसर देना है. फोर्थ, कार्बोकैटायन ले लिया मैंने प्लस प्लस, कुछ इसी तरह से सोचना है, प्लस प्लस ये कार्बोकैटायन है. तो बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? वन अल्फा हाइड्रोजन, एक ही है. ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसमें पता ये है और ये है, इसमें एक दो तीन है, इसमें एक और ये दो है. तो बताइए इसमें एक वन अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं? इसमें दो और एक यहां पर, तीन अल्फा हाइड्रोजन यहां पर, तीन चार पांच छह सात सेवन अल्फा हाइड्रोजन यहां पर, एक और एक दो अल्फा हाइड्रोजन. तो आप मेरे साथ हैं, ए बी सी डी अगर हम इसको मार्क करते हैं तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सी, लॉक कर दें, फिर बी, फिर ए या डी. ए के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? एक था, तो डी और फिर ए. कुछ कुछ समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल करते हैं, फिफ्थ, फ्री रेडिकल का करना चाहते हैं अपन. एक ये फ्री रेडिकल है, इनकी मार्किंग कर लीजिए, ए बी सी डी. आप इंडक्टिव से आंसर मत दे दीजिएगा, वो इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता जब हाइपर कॉन्जुगेशन निकल रहा है. तो बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सिक्स अल्फा, यहां वन, वेरी गुड, और यहां पर थ्री अल्फा, टू. तो सबसे सही क्या जाएगा ऑर्डर यहां पर? आंसर ए सबसे ज्यादा, सी फिर डी और फिर बी. नाइन होगा यहां पर, तो ये नाइन कर दिया, तब भी आंसर तो वही रहेगा, तीन तीन छह तीन नौ. यहां कितना है? वन. यहां कितना है? थ्री. यहां कितना है? टू. बिल्कुल सही है आपका. अगर आपने इंडक्टिव से आंसर दिया होता तो आपको ऐसा लग रहा होता सबसे ज्यादा ये है और फिर उसके बाद आपको फील होता कि ये है और फिर ये है और फिर ये है, ये सबसे कम ले जाते. नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव. सही है? बोलो हाँ या ना. यस. तो आपने कुछ अच्छे एग्जाम्पल कर लिए, इनको लिखें.